ओम शांति। 29 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अभी मैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, परंतु कई बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया धूल में लथेड़ कर उनका ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। भले बाप श्रृंगार करते हैं, लेकिन तुम्हें अपना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। बाप जानते हैं कि धारणा तो सब नंबरवार ही करेंगे। अभी तक कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, यह है सच्ची कमाई 21 जन्मों के लिए। इस पढ़ाई बिगर भविष्य पद मिल नहीं सकता। यह अविनाशी कमाई तुम्हारे साथ चलेगी। जबकि मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं और तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। ज्ञान तो इतना सहज है, जो भले किसी के हाथ पैर या आँखें भी ना हो तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान आत्मा के लिए है, न कि शरीर के लिए। लास्ट में बाबा ने कहा, मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस देता हूँ, तो फिर मांगने की क्या दरकार। तुम सिर्फ मामेकम याद करो तो मालिक बन जाएंगे, और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है, तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि, साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं हैं कि कहाँ मन चलायमान न हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमोप्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो, इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता, आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो राख हो जाता है। यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है,
शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर न सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लौथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं, बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ यह बात, अल्फ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, यह किसको पता नहीं है। तुम समझते हो आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतने दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं। यह तो बहुत उच्च पढ़ाई है। पढ़ाई बिगर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यह तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। यह सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है। यह बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सच खंड के मालिक बनते हो। यह है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सच खंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं, और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। यह शिव की महिमा है। वह बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना। सुख दुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो,
जैसे मिट्टी को मारते हो, तो बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं, कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं जैसे मतवाले। बाप कहते हैं आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में यह कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़े ही लिब्रेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको शांतिधाम भेज देने, यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मीमी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ, नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला, वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं यह माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन, परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं, नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापिस ले जाने, अब अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो, मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं, ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है, अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं, वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़े ही हैं। यह एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने, यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे, और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो यह क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान में तो है एक अक्षर मामेकम याद करो, बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम ही सर्वगुण संपन्न थे फिर बनना पड़े। यह भी समझते नहीं पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, यह निश्चय होना चाहिए। यह बातें कोई भी साधु संतादि बता ना सके सिवाय एक बाप के, यह कोई ईश्वर थोड़े ही है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है, मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं।
गांवड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गांवड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी, इन्हों को खिलाएंगे कौन, तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की बातें हैं, बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे, 84 जन्म इसने लिए हैं, तत्त्वम एक तो नहीं बहुत है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे, देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है, माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है, आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है, बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। आज का वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा, अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है, तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।